नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। श्री, ये मेरा नाम है। सुकून की जिंदगी जीने वाला मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। जिंदगी को अपने हिसाब से जीना ही मुझे अच्छा लगता है। अगर विस्तार से कहा जाए तो मेरी जिंदगी बहुत छोटी है। जैसे मेरा नाम छोटा है, वैसे मेरी दुनिया भी छोटी है। किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखना, यह मेरा सिद्धांत है। जिसने अपने आप को संभाल लिया, वही सच्चा इंसान है। बचपन से हर मुश्किल का मैंने अकेले ही सामना किया है, जिसका मुझे खुद पर गर्व भी है। मैंने अपने किसी भी फैसले के पहले किसी से उसकी राय नहीं मांगी। अच्छा बुरा सब कुछ अपने कर्मों की वजह से तय होता है। पैसा ही सब कुछ है, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर पैसा मेरे पास आता है तो इसको कमाने वाला मैं खुद ही हूं। दुनिया में अकेलेपन को पसंद करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं अकेलेपन को पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा अकेलापन हमेशा मेरे साथ रहता है। सच में इस तरह के अकेलेपन से रहने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसमें सिर्फ यमराज ही बाधा डाल सकते हैं। इंसानों के बस की तो ये बात नहीं है, और मैं यमराज का ही इंतजार करता हूं। हेलो, ओके ओके, I'll manage. Good morning, sir. Oh, good morning. I'll call you later. आज 10:30 को senior staff के साथ meeting है। Yes, sir. Confirm कर दिया? Yeah. Good. Come with me. Dear friends, today is an auspicious day. The reason is, I am proud to say that we have achieved something which our competitors have not. अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलता, तो हमें ये success नहीं मिलती। So इस मौके पर मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं। सॉरी, सो एक्सक्यूज मी। हेलो अंजलि। श्री, फोन क्यों काट रहे थे तुम? हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। आई एम सो सॉरी। मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैथिली से कहो। मैथिली को? वो क्यों? श्री, दिस इज टू मच। आज उसका बर्थडे है यार। ओह शिट, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पहले उसे फोन करो और विश करो। yeah. तो वो अपसेट हो जाएगी। या आई विल डू दैट। वी आर गेटिंग अ बिजी टू कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज कॉल लेटर।
सॉरी गाइज, एक इंपॉर्टेंट काम था जिसे मैं भूल गया था। सो ये मीटिंग हम यहीं पर कॉल ऑफ करते हैं, किसी और दिन करेंगे। ओके, कंटिन्यू योर गुड वर्क, कैरी ऑन, थैंक यू। मैथिली, उसका बर्थडे, बहुत बुरा लगेगा उसे। अपनी आंखें खोलो। ये सब क्या है श्री? कट करो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे माता पिता तो नहीं है, पर तुम उनका फर्ज निभा रहे हो। अरे मेरी भी दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है? तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम हो। हेलो, क्या बात है श्री? चल कम से कम तुझे मेरी याद तो आई। क्या मामू, मजाक कर रहे हो क्या? अरे यार, 2400 घंटे तुम्हारे जैसे मेहनत करने वालों के लिए हमारे जैसे लोगों को याद करना, ये तो हमारा सौभाग्य है मामू। चल वो सब छोड़, ये बता काम कैसा चल रहा है? अरे काम की बात सब छोड़ो, पहले मैथिली को फोन दो ना। देख मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो बात करेगी या नहीं मालूम नहीं, सुबह से ही मुंह फुला के गुस्से में बैठी है। तू मैथिली को फोन दो ना, मैं बात करता हूँ। क्यों, तू यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले फोन पर उसे एक विश करनी है। एक तो वो पहले ही गुस्से में है और तू फोन करके विश करना चाहता है, ये तेरा पागलपन है भाई। मैथिली को अच्छे से जानते हो ना, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। Hi. Get lost. अरे ए मैथिली, 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 please, please मेरी बात तो समझा करो। देखो ऑफिस में बहुत सारी टेंशन होती हैं। उस चक्कर में मैं विश करना भूल गया था। I am very very sorry यार। मामा। Hi चिनी। आवा। अरे मेरी गुड़िया यहाँ बैठ जाओ। ये नई ड्रेस है? क्या लग रही हो? जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? चॉकलेट्स है। हाँ अभी देता हूँ। मम्मी आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी। ओहो। उनको गिफ्ट देने से ही काम नहीं चलेगा, फायर इंजन की जरूरत होगी। ऐसा क्या? अच्छा पापा कहाँ है? पापा किचन में है। मामू। हाँ श्री। आज ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं गया, कोई प्लान है क्या? वो तुम्हारी तरह नहीं है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आज ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे बर्थडे के लिए क्रीम केक बना रहे हैं। तुम यहीं पर बैठना, मैं अभी आता हूँ। मैथिली प्लीज मुझे माफ कर दो, वो ऑफिस के काम के चक्कर में मैं सब भूल गया था यार। यहाँ देखो, तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर देकर मैंने ये बुके बनवाया है। देखो कितने अच्छे फूल हैं, रेड, पिंक, ब्लू, येलो। अब तो लो ना, लो ना, लो ना, लो ना, प्लीज लो, प्लीज लो ना। ये तुम्हारा पसंदीदा तोहफा है, प्लीज इसे तो एक्सेप्ट कर लो। अरे मैथिली, आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हे कम ऑन श्री, डोंट बी सॉरी, तुम मेरे लिए क्या हो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, थैंक यू सो मच। भाई बहन का रिश्ता देखने से बहुत खुशी मिलती है। हे चुप कर। चलो ना, तुम्हारे पति देव केक कटिंग का इंतजार कर रहे हैं। चलें, चलो। हेलो सर, मैं लूसी
बोल रही हूँ। हाँ बोलो लूसी। सर 60 लाख की जगह आपने 6 करोड़ लिख दिया। ओह सॉरी, मेक इट 60 लाख। ओके मैं आकर साइन कर दूंगा। ओके सर। ओके बाय। क्या बात है श्री? अरे कुछ नहीं, ऑफिस में थोड़ी सी साइन मिस्टेक हो गई थी, ठीक हो जाएगा। अगर तू 24 घंटा काम में डूबा रहेगा ना तो ऐसा ही होगा। काम को प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन उस काम की वजह से अगर तुम अपनों को त्याग दोगे तो वो अच्छा नहीं होता है। काम के साथ साथ रिश्तों को भी संभालना चाहिए, समझ गया ना? अभी देखो वहाँ भी गलती कर दी और यहाँ भी लेट पहुँचा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। अगर ब्रेक लोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, रिफ्रेश भी हो जाओगे तुम। ब्रेक? आप डरो मत मामा, कंपनी भाग नहीं जाएगी। ऐसी बात है क्या? देख श्री, अच्छा होगा तू थोड़ा ब्रेक ले ले, इससे तू टेंशन और प्रेशर से थोड़ा फ्री हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काम मतलब कमिटमेंट्स, जिम्मेदारी, ये सारी चीजें छोड़कर। सीरियल में जैसे बीच में ब्रेक देते हैं, वैसे आप इतना काम करते हो तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ओके टीचर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। हाँ? हाँ। मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूँ श्री, तेरी जिंदगी में फन के लिए कोई जगह ही नहीं है। प्लीज प्लान फॉर ए लॉन्ग ट्रिप, यू इमीडिएटली टेक अ ब्रेक। काम के साथ साथ रिश्तों को भी संभालना चाहिए, समझ गया ना? तुम एक काम क्यों नहीं करते, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। अगर ब्रेक लोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, रिफ्रेश भी हो जाओगे तुम। तेरी जिंदगी में फन के लिए कोई जगह ही नहीं है, प्लीज प्लान फॉर ए लॉन्ग ट्रिप। हाय श्री। मैं तो सरप्राइज हो गया यार, इतना बिजी होते हुए तूने मुझे कैसे याद कर लिया? मुझे अर्जेंटली तुझसे मिलना है भाई। ये सुनके तो मैं और सरप्राइज हो रहा हूँ। अबे राजू, क्या छोटी छोटी बात पर सरप्राइज हो जाता है? लोकल से लेके बियर बार तक तू पीता रहता है, उसके बाद भी इतना हेल्दी रहता है, तुझे खुशी मनानी चाहिए। इडियट, अभी कहाँ पर मजे ले रहा है ये बता पहले। हैंगओवर पब में। ओके बाय। I'm sorry. It's okay. Hey Shri, मैं इधर हूँ। Hi Raju. Hi. Hey Shri, come on यार। हाँ आया आया। Hi, क्या बोलता है? आजा आजा। चल बता बात क्या है। बात बहुत ही सिंपल है। दरअसल मैंने अपने काम से ब्रेक लेने का फैसला किया है, थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने की सोच रहा हूं। क्या बात है? तुझे ब्रेक चाहिए? इस पे तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। जब देखो काम के पीछे ही पड़ा रहता हूं यार, लेकिन अब काफी हो गया। ओके डूड, गुड आइडिया, रिलैक्स फॉर सम डेज, ऑल द बेस्ट, जाकर आ। ए बेवकूफ, जाकर आ नहीं, हम साथ में जा रहे हैं, वो भी कल ही। क्या? हम दोनों? और वो भी कल के कल? सॉरी यार, मेरे पिताजी की यूके में ओपन हार्ट सर्जरी है, मैं वहां जा रहा हूँ यार। ओह सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, लेकिन अंकल का ख्याल रखना। श्योर, हैप्पी जर्नी, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। मेरी जिंदगी एक घड़ियाल की तरह है, चाहे वो कहीं भी घूम ले, आखिर में लौट कर वही आता है, वही घर, वही काम, वही पुरानी कहानियां। जिंदगी में पहली बार अनजान रास्ते पर चलने की मैं तैयारी कर रहा हूं। बचपन का बचपना अभी भी मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, और अब मेरे अंदर दीवानगी भी है। दोनों में से किस चीज को दिमाग में रखकर मैं आगे बढ़ूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
गौरी, मेरी बच्ची, क्या हो गया मेरी बच्ची को? गौरी, गौरी, कोई मदद करो। आइए बैठ जाइए, अंदर बैठ जाइए, लेके चलो। कुछ नहीं होगा, आइए। सर जल्दी चलिए ना। ओके, ओके। मरीज को मेडिसिन टाइम से दे रही हो ना? हाँ। वो बहुत सीरियस केस है, बी केयरफुल। ओके डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। अब बच्चे का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी हालत कैसी है? ठीक है, मैं बच्चे को चेक करके आता हूँ, आप लोग वेट कीजिए। ओके। आप चिंता मत कीजिए, रो क्यों रही है? डॉक्टर ने कहा ना कि वो देखकर आ रहे हैं। तुम्हारी गलती है, इस तरह छोटे बच्चे को बीच रोड में छोड़कर और इतना लापरवाह होकर कोई फोन पर बात करता है क्या? डॉक्टर, नथिंग टू वरी, बस थोड़ी सी खरोचे आई हैं। आई होप आधे घंटे में बच्चे को लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं? आपको अगर थैंक्स कहना है तो मुझे नहीं, जो उसे सही वक्त पर यहाँ पर लेकर आए उनसे कहिए। सर, आपने जो एहसान मुझ पर किया है मैं याद रखूंगी। अरे नहीं, नहीं, नहीं। इस सब की जरूरत नहीं है, आप बस बच्ची का ख्याल रखिए। ठीक है सर। ओके? आप अब ये रख लो। ठीक है बहन जी। बाय द वे, आप? मैं ऊटी जाने के लिए बस का वेट कर रही थी और मेरे सामने ये सब हो गया। ओह, आई सी। फ्रैंकली मैं आपसे एक बात बताऊं, रियली आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। भले ही बच्चा किसी का भी हो, लेकिन उसके लिए आपने जो पहल की थी, दैट्स रियली ग्रेट। वैसे आप ऊटी जाने की बात कर रही थी ना, इफ यू डोंट माइंड आप मेरी कार में आ सकती हैं। वो बेकार में आपको परेशानी होगी। मैंने आपसे कहा कि मेरी कार में बैठ जाइए, मेरे सर पर बैठने के लिए नहीं कहा। आइए, कोई बात नहीं, आइए ना। If you don't mind, आप अपना ड्रेस चेंज कीजिए। बिकॉज आई फील लिटिल अनइजी, सो ओके। गुड मॉर्निंग सर। दो कॉफी लाना। ओके सर, 5 मिनट्स। ओके। अब तो ठीक है ना श्री? हेलो श्री। ओ बैठ जाओ, मैंने कॉफी ऑर्डर की है। ओके। लोना, मैडम आपका बैग। थैंक यू सर। बिल सर, आपकी जोड़ी बहुत सुपर है। हनीमून पर जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, घूमने निकले हैं।
सर गाड़ी संभाल कर चलाइएगा सर। अरे जाके अपने काम पे ध्यान दो, गाड़ी कैसे चलानी है देख लूंगा मैं। अच्छा आपको कहाँ ड्रॉप करूँ मैं? आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो मनाली की तरफ जा रहा हूँ। ओके, तो इसके आगे जो शेयरिंग सर्कल आएगा ना, मुझे वहीं ड्रॉप कर दीजिए। अरे आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है बताइए, मैं वहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। आप मुझे सर्कल के पास ड्रॉप कर दीजिए, मैं चली जाऊँगी। ओके फाइन। ओके थैंक्स फॉर द ड्रॉप, बाय। ओके बाय। सर मैं लड़का हूँ सर, सॉरी। चुप रहा। क्या बात है मैनेजर, आखिर समस्या क्या है? रात को नींद अच्छे से आई ना सर? पैसा खर्च करके इतनी दूर आया हूँ तो सोने के लिए नहीं, रोमांस करने के लिए। रोमांस करने के लिए? रोमांस करने की उम्र में रोमांस करना चाहिए? इस उम्र में टीवी देखकर दिल बहला रहे हो? सही समय पर शादी हो जाती तो तुम भी रोमांस करते। शेर है ये, जंगल के शेर। ओ अभी तक इनको किसी ने इजाजत दी ही नहीं। अच्छा आ जाओ, इजाजत देता हूँ, आकर गोद में बैठ जाओ। ऐसा कोई बुलाता है क्या कि आ जाओ मेरा रूम खाली है, हम दोनों रोमांस करते हैं? अभी भी मुझे कहीं पर चांस नहीं मिला है सर, इसीलिए मैं रिमोट से काम चलाता हूँ। आई एम स्टिल वर्जिन। लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं लगे तो लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। अरे तुम अभी वर्जिन हो, तुम्हारी उम्र में तो लोगों के चार चार बच्चे हो जाते हैं। अरे स्टेमिना होना चाहिए, ना तो तुम में स्टेमिना है और ना ही तुम्हारे में हिम्मत है। बीपी शुगर के मरीज बन जाओगे चैनल बदलते बदलते। सनी टीवी देखने से पहले मेरे कपड़ों पर आयरन करके ले आइए, समझ गए ना? ये साड़ी लहंगा जम्पर भी ठीक है, तुम जाओ मैं करके लाता हूँ। सर सर एक मिनट, आपकी बीवी को कहीं देखा है सर लेकिन याद नहीं आ रहा है। बेटा कोई चांस ही नहीं हो सकता, जब से शादी हुई है तब से अंदर ही रहती है, वो बेडरूम छोड़कर कभी बाहर ही नहीं निकली। अभी पहली बार वो बाहर आई है, कोई चांस ही नहीं होता। बेकार में दिमाग लगा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर अरे इसकी तो बहुत नजदीक से देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है? मैंने भी कहीं देखा है। अच्छा कहाँ पर? कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। मुझे जो डाउट हो रहा है तुझे भी वही डाउट हो रहा है ना, यहाँ जाकर अपना काम कर। नालायक मारता रहता है। कहाँ देखा था उसे? बाय। कहाँ कहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं, सबको लड़कियाँ मिल जाती हैं, सिर्फ मेरे भाग्य में ही सूखा लिखा है। हाय आई एम श्री। हाय देयर इज रूम ऑलरेडी बुक्ड इन माय नेम। बैंगलोर से आप ही आए हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? मैं भी बैंगलोर से हूँ सर। ओह उनका दिल तो बड़ा होता है। इतना बड़ा? हाँ सही है सही है। सर आपका रूम नंबर 501 है ना? ये लो सर का सामान लेकर जाओ और इनके रूम में छोड़ कर आओ। ओके सर। आप अकेले आए हैं क्या सर? हाँ फिलहाल के लिए। तो बाद में क्या करेगा? हाय राजेश। Hi, what a surprise. क्या बात है, अच्छा है ना? I'm good. How are you? मस्त। ये बता तू अभी भी ऑफिस खेल रहा है कि कुछ बदला भी है? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस का काम छोड़कर एक होटल में रिलैक्स करने आया हूँ। Hey, सुपर। यहाँ एक जगह है क्लूनीमेर नाम का, एक बड़ा सा रिसोर्ट है, वहीं पर रुका हूँ। Hey, वहाँ क्यों गया है? मेरे गेस्ट हाउस में चला था ना। अब क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? ऐसी बात नहीं है यार, मामला क्या है मैं वहीं पर आकर बताऊंगा। ठीक है ठीक है, जल्दी से आ जा, आई एम वेटिंग। तेरा पैक खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा। ओके 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 बाय। हाय राजेश। हाय वेलकम वेलकम। और बता कैसा है तू? सुपर सुपर, चल बैठ ना। हाँ ये मेरी फ्रेंड है विनी। हाय। हाय। श्री ये 4-5 दिनों के लिए मुझे कंपनी देने के लिए आई है, तुझे तो पता है
ये यूएसए, चाइना, रशिया, इन सब का टेस्ट मैं ले चुका हूँ। अब गांव वाली के साथ फिक्स हो गया हूँ। हे, यू डोंट माइंड हर कंपनी, राइट? कम ऑन यार, नॉट एट ऑल। हाँ, दैट्स ओके। वैसे क्या लेगा तू? एनी फ्रूट जूस। फ्रूट जूस? हे हे, ग्रो अप मैन, अब तो थोड़ा बदल यार। hey, तू बदल गया तो अपनी तरह पूरी दुनिया को बदलना चाहता है क्या? समझ गया, अब अपना लेक्चर स्टार्ट मत कर। तुझे फ्रूट जूस चाहिए ना? यस। विनी, प्लीज यार। या श्योर। प्लीज, थैंक यू। क्या बात है, क्या देख रहा है? नहीं कुछ नहीं, इस म्यूजियम में दुनिया की सारी सुंदर लड़कियों के दर्शन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स, यू नो माय पैशन, राइट? माय वुमन। या या या, आई नो दैट। ठीक है, मेरा छोड़, तू बता, लड़कियों के मामले में एटलीस्ट तूने अभी तक किसी को पटाया कि नहीं? अभी लड़कियों के मामले में LKG का स्टूडेंट बनकर रहता हूं। अच्छा हुआ प्ले होम का नाम नहीं लिया। तू भी ना यार। तो फिर हॉलीडे मनाने आया है तू? यस, अपना माइंड थोड़ा रिफ्रेश करने आया हूं। थैंक यू। अरे अकेले आने से क्या रिफ्रेश होगा तू? अगर लड़की साथ में लाया होता तो फ्रेश रिफ्रेश हो जाता ना। गुरु, मैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आया हूँ, एंजॉय करने के लिए नहीं। तो रिलैक्स करने आया, एंजॉय करने छोड़ उसे। पर अपनी तो हर रात सुहाग रात होती है, अपनी तो यही लाइफ है। या, he is right. देखा, सब तालमेल बनाए हुए हैं। क्या करे, कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है भाई, तो मैं निकलता हूँ। अभी आया और अभी जाना चाहता है? आज यहीं पे रुकना, कल सुबह चले जाना, और क्या। You can stay here tonight. Straightly, he is boring. Triangle will be exciting. No thanks. Hey. आप दोनों के बीच में परेशानी बनना मुझे अच्छा नहीं लगेगा. Okay? I take leave. अरे, you guys carry on. अरे थोड़ी देर के लिए रुकना यार. अरे रुक लिया और कितना रुकूंगा, फिर मिलता है ना. क्या हुआ, इसका ऑफर पसंद नहीं आया क्या? अबे लोफर. चलो ओके, बाय. ठीक है ठीक है, बाय बाय. क्या बोला था, ट्राइंगल? तुम्हें पता ये किसी लायक नहीं है. सर, मैंने आपकी बीवी को कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है. अरे क्या हो गया है तुझे, तू तो एक ही बात के पीछे पड़ गया है. ए मैनेजर, तेरी समस्या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तेरी एज 30 क्रॉस कर रही है ना, तेरी एनर्जी खत्म हो रही होगी. हाथ दिखा अपना. तो अरे, ये हाथ क्यों दिखा रहा है? वो हाथ दिखा, उसकी सारी रेखाएं मिटा दी है क्या? दिखा. सुन बेटा, तेरी रेखाएं बता रही हैं किसी लड़की की एंट्री होने वाली है. देखने में हॉट होगी, सुंदर होगी, छोटे छोटे कपड़ों में आएगी. अच्छा? लेकिन तुम्हारी बॉडी में तो जंग लग चुका है. अपनी बॉडी को ग्रेसिंग ऑयलिंग करके स्ट्रांग बना लो. देख लिया ना, अभी मुझे बोले 5 मिनट नहीं हुए और वो यहाँ पहुँच गई. अब तेरी जिंदगी का सूखा मिटने वाला है. मस्त लड़की है वो. अब ज्यादा सोच मत, जैसे ही वो आए ना उस पर अटैक कर देना. हाँ सर. एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो. यस, रिजॉर्ट इंचार्ज? हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ. माय नेम इज रसिका, इस होटल का मैनेजर हूँ. हम लोग सेंसेक्स कंपनी से आए हैं. हमारे लिए कोई रूम खाली है क्या? तुम्हारे लिए तो दिल का रूम भी खाली है. इतने लोग एक रूम में रहेंगे क्या? Why not? हम सब लोग एक साथ रहेंगे. साथ रहने से प्यार बढ़ता है, साथ में परिवार भी बढ़ता है. अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं आपको मना कर सकता हूँ क्या? प्रदीप भाई. सर. जरा यहाँ आना. आता हूँ सर. इसके तो अंग अंग से शहद टपक रहा है. सर. मैडम को 143 रूम में लेकर जाओ. ओके सर. थैंक यू मिस्टर रसिका, आई लाइक योर सर्विस. आप बहुत फास्ट हैं. एक बार मुझे मौका तो दो, तुम्हें माँ भी फास्ट बना दूंगा. चलिए मैडम. ऐसा लगता है कि काट कर खा जाओ. ये बस यहाँ खड़े खड़े सपने ही देखता रह जाएगा कि कुछ करेगा भी. अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ. हेलो सर. की प्लीज. बाबू. सर. गिव द की. थैंक यू सर. समवन इज वेटिंग फॉर यू. फॉर मी? यस सर. थैंक यू. इट्स ओके. हाय. आ
आइए मेरे साथ। प्लीज कम दो मुझे। इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं, दो। प्लीज टेक योर सीट। ओके। बी कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझो। पीने के लिए कुछ चाहिए आपको? कॉफी, टी, जूस? जस्ट सम वाटर। ओके बैठिए ना। ये लीजिए। थैंक यू। बताइए। अक्सर दीपावली के टाइम पर मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर घूमने का प्लान बनाती हूँ। इस बार मैं आपके साथ आई। जैसे ही आप मुझे ड्रॉप करके गए, उसके बाद कुछ 4-5 गुंडों ने मिलकर अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मेरा वैनिटी बैग, मोबाइल फोन, सब कुछ लेकर चले गए। यहाँ मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप तो सही सलामत है। और बताइए, अपनी तरफ से मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे वापस बैंगलोर पहुंचाने में अगर आप मेरी हेल्प कर दें। देखिए, 4-5 दिन के लिए घूमने निकली हो तो इतनी जल्दी जाने की क्यों सोच रही हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे क्यों नहीं, यू कैन स्टे हियर। आई मीन यहाँ पर 2 कमरे हैं। एक्चुअली मैं खुद ही यहाँ पर 3-4 दिन के लिए घूमने के लिए आया हूँ। वैसे मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आप रहना चाहें तो रह सकती हैं। आइए, आपका कमरा दिखा देता हूं। आइए, यहां सब कुछ सेफ है, आराम से रिलैक्स कीजिए। ओके ओके। वैसे यंग एज में आपका बिग अचीवमेंट का सपना है। इस अचीवमेंट के चक्कर में ही मैं हर समय दौड़ भाग करता रहता हूँ। At last, this is a refreshing trip. इस refreshing trip में कहीं मैं आपको bore तो नहीं कर रही ना? Not at all. Actually, आपकी company की वजह से I am feeling more pleasant. Thanks. कहाँ चली गई मुझे भरी जवानी में छोड़कर? Are you ready for this? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है वो। मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी का सूखा मिटाएगी, लेकिन लगता है कोई हरामी उसे पटा कर ले गया। छे, क्या बात है भाई, बड़े परेशान दिख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? ढूंढते ढूंढते तुम मत खो जाना। आप जैसे महापुरुष जब मेरे सामने बार बार आएंगे तो मैं खो ही जाऊंगा ना। हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है पनौती। अरे बुलबुल माया, जल्दी से काम खत्म करो, वापस रूम में चलते हैं। चलो। जल्दी क्यों कर रहे हो? सोने के लिए। तुम्हारी आदत को मैं जानती हूँ, हमेशा सुहाग रात का ही ख्याल आता रहता है तुम्हें। वाह, जोड़ी हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। तुम दोनों को देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं है? हनीमून मनाने आए हो क्या? जो कुछ भी तुम यहाँ करोगे उसे जिंदगी भर याद रखना। अच्छा, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊँ? दिखने में तो तुम बिल्कुल बैट्समैन के जैसे दिख रहे हो। कोई भी बॉल खाली मत जाने देना। ए, जरा इधर तो आओ। पिच पर ध्यान देना। एक मिनट सुनिए, इसकी बैटिंग पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, कहीं डक बॉल पे आउट ना हो जाए। गुगली और स्पिन के चक्कर में मत रहना, सीधे फुल टॉस बॉल फेंकना, ठीक है? सर, हर बॉल पे छक्का मारना है आपको। अरे चलो ना, बाद में आता हूँ सर। बॉल कैसे फेंकनी है, छक्का कैसे मारना है, तुम कोई कोच हो क्या? अरे पहले अपनी घरवाली को संभालो, खुद तो फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो जाते हो। आज तक 1 रन भी बनाए हैं तुमने, बताओ? तो मैंने बहुत सारे बनाए, जब पीछे खराब है क्या करें? चलो खाना खाते। Thank you.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कॉफी. थैंक्स. थैंक यू वेरी मच. अरे कॉफी के बदले में इतना बड़ा थैंक्स किस लिए? थैंक्स कॉफी के लिए नहीं, मुझे ठंड लग रही थी, रात को आपने मुझे ब्लैंकेट उड़ाया था, उसी के लिए. जल्दी से कॉफी पी के तैयार हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे. ओके ओके. कहाँ गई मेरी कश्मीरी से. हेलो. अबे जिस भीड़ को तूने एक ही कमरे में टिका रखा है ना, उसी भीड़ के साथ तेरी जाने मन भी उसी कमरे के अंदर है. ये बात है. टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से जाकर काम पर लग जा. अरे मेरी जान, थैंक्स. आइए अंकल, आपने हम लोगों को कहानी सुनाने के लिए कहा था, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं. आपने हम लोगों को बच्चा समझा है क्या? फिल्म की कहानी बताने वाले थे ना, बताइए ना. अरे क्या तुम लोग आपस में बकबक किया करते हो, थोड़ा सबर भी किया करो. वैसे उस फिल्म का नाम क्या है अंकल? डर्टी पिक्चर. हीरोइन कौन है अंकल? विद्या बालन? नहीं. तो फिर सनी लियोन होगी. उन दोनों से ज्यादा जो चांद के जैसे दिखती, उसकी बात कर रहा हूँ. ओ रसिका, तुम हो? आओ आओ, सही टाइम पर आए हो. मैं नहाने जा रही थी तो कपड़े उतार दिए थे, और कोई था भी नहीं. तुम मदद के लिए किसी को भेजोगे क्या? फिल्म में नहाने का सीन है ना. हीरोइन राजी हो जाती है क्या? हाँ यार. ओए, मुझे एक बार मौका देकर देखो मैडम, मैं कर लूंगा. तुम इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैडम. हीरो पीठ पे साबुन लगाएगा. ठीक है ठीक है, तो फिर अपने कपड़े उतारो. सच में कपड़े उतारूं? हाँ, तभी तो तुम कंफर्टेबली कर पाओगे ना. लगता है अभी भूखी है. सस्पेंस बहुत हो चुका, आगे क्या हुआ अंकल? अरे वाह वाह वाह, जब तुम लोग इतनी दिलचस्पी से पूछ रहे हो तो मेरी कहानी में दम है, ऐसा मुझे लग रहा है. रेडी हो? रेडी रेडी. बाथरूम में चले क्या? अरे रे, मजा आ जाएगा. अरे वाह, तुम्हें बाथरूम का काम बहुत अच्छे से आता है. अरे मैं जी जान से करता हूँ. आ जाओ. थोड़ा कमजोर पड़ूं तो एडजस्ट कर लेना. स्टार्ट करो. कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से. यहाँ से करूँ? यहाँ से नहीं, वहाँ से. वहाँ से करना है? हाँ. ये क्या तुम बाथरूम में काम करने को बोल रही थी, वो ये है क्या? हाँ, दरअसल वो बाथरूम में चूहा मरा पड़ा है, उससे बदबू आ रही है, उसी की सफाई करनी है. हाँ, और वैसे भी मुझे नहाए बिना रात को नींद नहीं आती है. अरे ये क्या, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मुझसे ये काम करवाओगी तुम? मैनेजर हो तो क्या हुआ, इस काम के लिए राजी कौन हुआ, मैं या तुम? जल्दी जाओ और साफ करो. अरे मुझे क्या देख रहे हो, जाओ. मैंने सोचा था स्वर्ग का मजा लूंगा, इसने नाक में डाल दिया. Are you all right? Yes, I'm all right. Sorry. Thank you also. It's okay. Bye. चलते हैं, आइए.
ओए, रख दिया ना तो निकलो। ये बहुत टेस्टी है ना? हाँ, बहुत बढ़िया है। अब तक तो टेस्टी नहीं किया, तो फिर अच्छा कैसे कह रहे हो तुम? अच्छा है ये कहने के लिए टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। Have it, no? मुझे कभी एक ही बार दो काम करने की आदत नहीं है। अब खाने को छोड़कर और कौन सा काम है तुम्हारा? तुम्हें देखते रहने का काम। प्यार के बीच में कभी काम को लाकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्यार जो दिल में कांटे चुभने जैसा फील देता है ना, उससे खुशी मिलती है। और औरत का श्रृंगार आदमी को मर्द होने का एहसास दिलाता है। इस दिल में ख्वाहिश को जगाने का एक जवाब है ये प्रेम। प्रेम को निभाने का भी एक काम बना लेना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जो प्यार को सजाता हो। आज जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, ऐसी परिस्थिति को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऊपर वाला कैसे दो दिनों को मिलाता है यह आज समझ में आया। आह, कभी सोचा नहीं था कि इन थोड़े दिनों के ब्रेक में मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। सच में मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। इस पल को मैं अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता, बल्कि इस सुंदरता के साथ उन्हें बांटना चाहता हूं। श्री, I'm really sorry, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा गलत करने का सोचा। जब मैंने कोऑपरेट किया था तभी तुम आगे बढ़े ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट शुरुआत तो मैंने ही की थी, फिर आपने रोका। सो उसके लिए सिर्फ सॉरी काफी नहीं है, थैंक्स भी बोलना चाहिए। अब लेट्स फॉरगेट इट, चीयर अप। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरी अच्छी दोस्त हो। ओके, कम। या कोई और अच्छी जगह है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, वहाँ मिलेगी। ओह, I'm extremely sorry. I'm sorry. I'm इससे शायद पहले मैं कहीं मिला हूँ। कहाँ मिला हूँ? Hey, Rajesh. Hey, Shri. Hi. Meet my friend Maya. Maya,
He is my friend, Rajesh. दोस्त? अब एक बात बता, ओटी आने के बाद कॉल गर्ल को दोस्त बना लिया? राजेश ने जो कहा वो सच है? हाँ, मैं एक कॉल गर्ल हूँ और मैं उसी काम से यहाँ पर आई थी। मुझे जिस क्लाइंट ने बुलाया था वो मुझे धोखा देकर मेरा सामान लेकर भाग गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। समंदर में नमक हो सकता है लेकिन नदी में नमक का चांस ही नहीं। मैं समंदर की ओर बहने वाली नदी हूँ। ये काम करने की क्या वजह है, इसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, वैसे आपके पर्सनल मामले में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अगर इसे आपको हर्ट होता है तो मत बताइए। हर्ट होने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें बताने से मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वैसे अपनी कहानी को तुम्हारे अलावा किसी और को सुनाने का शायद मौका ही ना मिले मुझे। उस दिन दीपावली का दिन था, उसी दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने उसी दीपावली के दिन जन्म लिया था। जैसा कि मैंने अपनी दादी से सुना, मुझे माँ का प्यार नहीं मिलेगा इसलिए पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मुझे माँ का प्यार तो मिला, लेकिन बहन के जन्म लेने तक, उसके जन्म के बाद मुझे माँ का प्यार ही नहीं मिला, जिससे परेशान होकर मेरे पिताजी की भी मौत हो गई। मैं और मेरी बहन एक साथ पले बढ़े। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। माँ के लिए मैं बोझ बन चुकी थी। फिर मेरे मामा आए और मुझे साथ ले जाने के लिए कहा। मामा कह रहे थे कि वो शहर जाएंगे और वहाँ पर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उन्होंने किसी तरह माँ को कन्विंस कर लिया। और सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं मामा के साथ शहर जाऊँगी। लेकिन जिसे मैं अपना सगा मामा समझ रही थी, उसी ने मुझे इस नरक में, इस दलदल में लाकर झोंक दिया। वो नरक है, इस बात को समझने के बाद भी वो
वहां से बाहर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मुझे वहां के लोगों की क्रूरता के बारे में पता चला। जो जो लड़कियां उनका काम छोड़कर बचने की कोशिश करती हैं, वो लोग उसे पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार डालते थे। और मैं उनकी कमाई का एक अच्छा जरिया थी, उन्होंने मुझे एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। ए, अगर तूने ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना, तो तेरी जवान बहन और तेरी छोटी माँ सबकी वाट लगा दूंगा, समझी क्या? अपनी किस्मत से हार मानकर और अपने परिवार को बचाने के लिए, ताकि मेरी बहन का भविष्य सुरक्षित रहे, मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं जो भी पैसे कमाती थी, उसमें से थोड़े पैसे बचाकर अपनी माँ और अपनी छोटी बहन दोनों को भेज देती थी। मैं अपनी बहन को अच्छी परवरिश देकर उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवाना चाहती थी। एक दिन घर वालों को सब कुछ पता चल गया और मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस सदमे से मेरी दादी भी मर गई। अब मैं क्या कर सकती थी? आखिर जीना तो था ही। एक तरह से मैं अंदर से घुट घुट कर जी रही हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और ऐसे ही जीना सीख लिया है। तुम अकेली हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? गुजरे हुए कल को भूल कर जो आने वाला कल है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। जो हुआ सो हुआ। गुड मॉर्निंग। वैसे मेरे साथ एक मैडम थी, वो हाँ। कहीं आपको दिखी क्या? हिंदी समझते हो? मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ आती है। सर, आप मैडम के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। यहीं पास में एक छोटा सा मंदिर हाँ। है, शायद वो वहीं गई होंगी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। यहाँ पर थी? मैं तो घबरा गया था कि तुम कहीं चली तो नहीं गई। एटलीस्ट यहाँ आने वाली हो ये बोलकर तो जाती। अरे मैं बस बोलता जा रहा हूं और तुम कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप बैठी हो, क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। पेन और कॉपी चाहिए? एक मिनट रुको। मंदिर से इसे लेकर आया हूं, ये लो पेन और ये पेपर।
दीपावली का दिन है, मेरी माँ का मुझसे बिछड़ने का दिन। इस दिन मौन व्रत रखकर मैं सिर्फ अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। सॉरी, मौन व्रत है। मौन व्रत है? इन सब बातों में तुम भरोसा करती हो? भरोसा हो या ना हो इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिंदगी में सेलिब्रेट करने का कोई दिन नहीं है, तो इस एक दिन के लिए साल के बाकी दिन मैं इस दिन का इंतजार करती रहती हूँ। इसका मतलब तुम्हारे लिए आज का दिन स्पेशल है? स्पेशल के लिए स्पेशल डे है। इतने साल मैंने सिर्फ अपनी माँ की यादों के सहारे गुजारे हैं, लेकिन आज पहली बार है कि उस दिन को याद करके मुझे खुशी मिल रही है। So, you're happy today? Yes, I'm happy. In fact, आज के दिन ही नहीं, जब भी मुझे माँ की याद आती है मुझे खुशी महसूस होती है। मेरे लिए माँ की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई खुशी नहीं है। बेटी, आरती का समय हो गया, आ जाओ। एक ही पल में मेरे दिल को जीत लिया है। तेरी इस सदा को देखकर मैं खुद को भूल गया हूँ। चाहकर भी तेरा साथ छोड़ना चाहूँ तो नहीं छोड़ सकता। डूब तो गया हूँ लेकिन पूरी तरह डूबना भी नहीं चाहता। तुम्हारे साथ हमारे मिलने और प्यार की राह को देख रहा हूँ। जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है और आंखों के लिए पलकों की जरूरत होती है। उसी तरह कुछ बातों के लिए मौन रहने की भी जरूरत है और मौन में भी कुछ बातों की जरूरत होती है। रात को जैसे दीपक की जरूरत है और अपनी खुशी के लिए मुझे माया की जरूरत है। मैं किसी भी तरह माया का प्यार माना चाहता हूँ। उसकी दुनिया का नायक मैं ही हूँ। मुझे खुशी का मतलब सिखाने वाली वो मेरी नायिका है। मैं खुद प्यार में पड़ गया हूँ क्या? कब और कैसे पड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। माया को उसके हर रूप में मैं अपनाना चाहता हूँ। उसके प्यार को मैं जगाना चाहता हूँ। एक पल में जन्म लेना और एक पल में मर जाना, ये प्यार में ही संभव होता है। इस प्यार में जो खुशी और गम मिलते हैं दोनों लाजवाब होते हैं। प्यार में हर दिन दुखों को सहने और मरने के लिए मैं तैयार हूँ। ऊपर वाले ने इंसानों को प्यार का बहुत नायाब तोहफा दिया है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल समझाया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी किस चीज का नाम है, लेकिन इस प्यार ने मुझे जीने का सही मतलब बताया है और पहली बार मैं ऐसी खुशी का एहसास कर रहा हूँ। एक प्यारा सा एहसास जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, और अब यह एहसास हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगा। ओह, तुम आ गई। तुम अपना काम खत्म कर लो, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं पूरा करके आता हूँ। ओके, माया आज का दिन तुम्हारी माँ के मरने का दिन नहीं है बल्कि तुम्हारा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे माया। इतने दिनों तक दीपावली के दिन तुम बहुत दुख सहन कर चुकी हो, अब आगे से आने वाली हर दीपावली को तुम सिर्फ खुशियां ही मनाना। स्माइल ऑलवेज। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे।
सुन बड़े मैनेजर, इस दीपावली का पटाखा फूटने से पहले अपनी मासुका को किसी तरह जाल में फंसाकर अपने कब्जे में कर ले। ए, वर्सोवा बीच के कोली नहीं नहीं कोटी भाई, मैं भी इस आइसक्रीम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखना इस पटाखा को धीरे धीरे कैसे पटाता हूँ मैं। ए, मैडम इस ड्रेस में ना बहुत ही हॉट लग रही हैं आप। इस तरह की ड्रेस मैंने सिर्फ और सिर्फ श्री को इम्प्रेस करने के लिए पहनी है। ए, तुम पागल हो क्या? वो देखो, वो किसी दूसरी चिड़िया के साथ है, तुम बेकार में घुस रही हो। किसी के साथ रहे या अकेला, एक बार मुझ पर नजर पड़ी ना तो वो मेरा। विश यू हैप्पी दीपावली। ओह, विश यू द सेम। अरे 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 अरे, मैनेजर देख, तेरी मासुका तुझसे मिलने के बजाय किसी और के साथ चक्कर चलाना चाहती है, अब क्या करेगा तू? ये उसके चक्कर में पड़ी है और दिल में बसा कर बैठा हूँ मैं। ए, अगर तूने ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना तो तेरी जवान बहन और तेरी छोटी माँ सबकी वाट लगा दूंगा, समझी क्या? हैप्पी बर्थडे माया, इतने दिनों तक दीपावली के दिन तुम बहुत दुख सहन कर चुकी हो, अब आगे से आने वाली हर दीपावली को तुमसे खुशियां ही मनाना। माया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बिना सोचे समझे अंदर चला आया तो आई एम सो सॉरी। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। रूम में तो कुछ होता नहीं है, यहाँ आशिक बन रहा है। आज तैयारी करके आया हूँ, सुनना मेरी। नमस्ते सर। हाँ बोलो। सब कुछ हो गया? क्या क्या हो गया? नाश्ता तो गले में हड्डी की तरह टपक पड़ा, अब नाश्ता क्या खाक करूंगा? सॉरी सर, एक्चुअली मैं किस लिए आया हूँ पता है, कल संडे है, हमारे रिसोर्ट में एक पार्टी है ना, इसीलिए आप दोनों को इनवाइट करने आया हूँ। अच्छा, ये बोलने के लिए आया तू? हाँ सर। इसका मतलब सब वहाँ पे शॉर्ट कपड़ों में आएंगे? ठीक है सर। सर मैंने आपकी बीवी को किसी एडल्ट पिक्चर में देखा है क्या? अरे पागल हो गया क्या? जब से यहाँ आया हूँ यहाँ देखा है वहाँ देखा, किसी एडल्ट फिल्म में देखा है, एक लड़की पटा नहीं पा रहा और मेरी जाने मन पर डोरे डाल रहा है जाने मन। बस बस। नमस्कार सर। हाय, नमस्कार। कल संडे को हमारे रिजोर्ट में एक एनिवर्सरी पार्टी है, प्लीज आप दोनों उस पार्टी में जरूर आइएगा। श्योर। थैंक सर। आहा, क्या जोड़ी है आप दोनों की सर, सच कहता हूँ भगवान ने आप दोनों की जोड़ी को फुर्सत में बनाया होगा सर। एक बात पूछूं सर? हाँ। इतनी खूबसूरत मैडम है, अगर किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया तो आप मानेंगे नहीं ना सर? नो। पक्की बात है ना सर? थैंक यू सर, कल आना मत भूलिएगा। हाँ, चलता हूँ मैडम। यस। हे भगवान, डाउट क्लियर हो गया, अब मेरे दिल को चैन मिला, अब मैं अपनी जान को अपना बना लूंगा। हाँ मैंने देखा है पता है। मैं सब कुछ जानती हूँ। ओके, अरे ये बाय। तो पॉपलेट लग रही है, मजा आ जाएगा। हाय। शर्मा क्यों रहे हो रसिका? मैं तुमसे ही मिलने आया था। ओ। कल हमारे रिजॉर्ट में पार्टी है, तुम पार्टी में जरूर आना है। ओ, ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगी, ठीक है आ जाऊंगी। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ओ, बोलो ना। वो क्या है ना, आई अरे इसकी जात का पनौती लोग आ रहे हैं, कल पार्टी में मिलते हैं, मिस मत करना। ओके बाय बाय। शॉर्ट पैंट में हॉट लग रही है, कल पार्टी है सब लोग आना, चलो निकलो अब। माया माया श्री, 2 more minutes, प्लीज। ओके। ये बार बार कहाँ गायब हो जाती है, इसके चक्कर में कल बाथरूम भी साफ करना पड़ा, आज मैं किसी तरह इसे प्रपोज करके ही रहूंगा, लेकिन कौन से कोने में छिप कर बैठी है पता नहीं, कहाँ गई? पार्टी कितनी ग्रैंड तरीके से अरेंज की है ना। वो सब छोड़ो, सामने तुम्हारा आशिक आ रहा है, आते ही पार्टी शुरू कर देगा देखना। हाय हाय। आज इसको बोल के ही रहूंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रियली? हाँ। साइड में चलकर बात करें? साइड साइड में? हाँ आओ, आ जाओ। अरे तो छोड़ूंगा नहीं, अंधेरे में ले जाएगी। कुछ बात करनी थी ना तुम्हें, बोलो। बाप रे कैसे कहूँ,
क्या बात है? स्टार्टिंग प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। बोलो। कैसे कहूँ? हाँ। आई तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। ओके, ये बात है। मैं आज श्री को प्रपोज करने जा रही हूँ, सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? मैं बाद में आके तुमसे मिलती हूँ। रसिका भैया। क्यों भाई मैनेजर, इस बार ऊपर वाले ने तुझे मर्द बना दिया। ऊपर वाले से प्रार्थना कर अगले जन्म में तुझे औरत बनाए, दोबारा मुझे मर्द बनाकर तेरे पास भेजे, क्या समझा? अरे रे। सुनो 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 ए लड़की। यस। तुम उस श्री को प्रपोज करने जा रही हो ना? हाँ। वहाँ देखो। आहा, ये जोड़ी मेड फॉर ईच अदर, ब्रह्मा ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है, इसीलिए इनकी जोड़ी बहुत मजबूत है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई और ढूंढ लो। उनकी जोड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन उन्हें अलग करने का टैलेंट मेरे अंदर है। अब तुम देखो। आपका नेकलेस बहुत सुंदर है। ओह, थैंक्स। उन्होंने मुझे अपनी पसंद का नेकलेस खरीद कर गिफ्ट किया है। ओह, यू बोथ मेक अ नाइस पेयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माया, माया। हाँ। अरे क्या सोच रही हो? हीरो हीरोइन के बिना कोई फिल्म बनी नहीं सकती है। दोनों की वजह से पार्टी की शोभा बढ़ गई। मैडम, आप दोनों ना राजा रानी की तरह लग रहे हो। आते समय ना नजर का टीका जरूर लगाना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो किसी की बुरी नजर आप लोगों को लग जाए। माया, तुम यहीं वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? कितने दिन की डील हुई है इसके साथ रहने की? मुझे भी चाहिए तुम्हारा कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। कई लड़कियों के साथ घूम चुका हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ, और तुम तो फुल एक्सपीरियंस होल्डर हो, बेड पे आग लगा दोगी। प्लीज पुरानी बातों को मत दोहराओ। जब से मैं श्री से मिली हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। कैसी नई जिंदगी? नई पुरानी ऐसी कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी बस एक ही है। जिंदगी में बस मिक्सचर होना चाहिए, वही जिंदगी है। सच में वही जिंदगी है। डार्लिंग, श्री जो है ना, वो मेरे जैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। फालतू में उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए मैं जिंदा हूं ना। सुंदर फूलों का रस पीने वाला भवरा हूं मैं। हर फूल को नसीब नहीं होता हूं, पर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। मसले हुए फूलों को मंदिर में नहीं चढ़ाते। माया, हैव इट। अरे तुम यहाँ किस लिए आए हो? ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब ये लो खाना खा लो। नहीं नहीं चाहिए। वैसे देसी मुर्गी खाए बहुत समय हो गया है। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, चलो। अबे क्या पर्सनल है? आता हूँ जान। ए, जिस जगह हम लोग आए हैं वहां पर कुछ मैनर्स भी होते हैं। ओ, अब तू मुझे मैनर्स सिखाएगा? फिर उसे इरिटेट किस लिए कर रहा है तू? अबे कैसी बातें कर रहा है, मेरा दिल किया इसीलिए मैंने किया।
उस दो टके की लड़की के लिए मेरा कॉलर पकड़ रहा है तू? अगर ज्यादा जुबान लड़ाएगा ना तो मार दूंगा तुझे यहीं पर। मारेगा क्या? चल मार के दिखा। ए, ऐसी लड़कियां रोज मेरे कमरे में आती जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर एक पल भी यहाँ पर खड़ा रहा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। उस लड़की की वजह से तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? शिट। चलो खाना शुरू करें। क्या हुआ? किसी ने सड़ा हुआ अंगूर डाल दिया। एक सड़े अंगूर की वजह से सारा खाना खराब हो गया। अब श्री, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं रूम में जाकर रेस्ट करती हूँ, तुम पार्टी एंजॉय करो। माया, श्री जो है ना वो मेरे जैसा नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। फालतू में उसकी जिंदगी क्यों खराब कर दी? तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए मैं जिंदा हूं ना, सुंदर फूलों का रस पीने वाला भंवरा हूं मैं। हर फूल को नसीब नहीं होता, पर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। मसले हुए फूलों को मंदिर में नहीं चढ़ाते। तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट हो गई हो। सही कहा ना मेरी गुलाबो? ऑफ कोर्स मेरी गुलाबो। हाथ क्यों हटा रही हो? शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आ जाओ। मेरी जान, तुम मेरी देसी मुर्गी है। कुछ भी कहो, देसी मुर्गी की बात ही कुछ और है। इतने दिनों से मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रही थी, आज तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। टाइम वेस्ट मत करो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। इसने खुद ही बोला कि श्री पार्टी में बिजी है, तुम ही कमरे में आ जाओ, तो मैं आ गया। ए, तुम मुझे क्यों मार रहा है? मैं दोस्त हूं तेरा, वो भी इस लड़की के लिए। ए, ये तेरे साथ खेल खेल रही है, यू आर ए बिग फूल। गेट आउट। हम कल ही वापस जा रहे हैं।
गुड मॉर्निंग सर। मैंने धोखा नाम की चीज का कभी सामना नहीं किया था, लेकिन अभी उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे सोचते सोचते मेरी जान निकलती जा रही है। प्यार झूठा है, झूठा है, और जो प्यार करते हैं वो भी झूठ है। इस झूठ के अलावा इस दुनिया में सच क्या है, इसका अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। दोस्त माया बन गया, प्यार माया बन गया, भरोसा भी माया बन गया, आशाएं माया, ख्वाहिश माया, लेकिन माया ने मुझे जो धोखा दिया है वो सच है। हर दिन, हर पल, हर क्षण मैं जिस नरक को झेल रहा हूं उसकी वजह माया है। इन सब की वजह सिर्फ माया, माया ही है। श्री, ये क्या कर रहा है? सब कुछ माया की देन है। माया, 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 माया की देन है। हाँ यार, the great girl माया, बस उसकी वजह से। उसने किया क्या है? छोड़ यार, नाम तो कमल की फूल की तरह खिल रहा था, उस वजह से मैं उस पे अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हो गया था, लेकिन अंत में वो खुद ही मेरी जान लेके चली गई। उसकी बिखरी लाइफ को ठीक करने का सोचा था, बदले में उसने मेरी लाइफ बिखेर दी। रे, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हर कोई अपना मतलब निकल जाने के बाद टाटा बाय बाय। और इनकी खातिर हम क्या क्या करने के लिए तुल जाते हैं। उसे जहां जहां घूमना था वहां वहां एक ड्राइवर की तरफ बनकर उसको घुमाया। उसे मैंने अपनी पलकों में रख लिया था, खुद उसका ठेकेदार बन गया। उसे जो चाहिए वो दिलाता, उसके लिए उसके नौकर की तरह बन गया था। लेकिन वो बहुत होशियार थी, अपना मतलब बहुत अच्छे से निकाल लिया उसने। वाकई बहुत होशियार है वो। बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक दिल के डॉक्टर के पास भी मेरे टूटे दिल का कोई भी इलाज नहीं है। सोचा था फ्यूचर में उसके साथ ऐसी जिंदगी बिताऊंगा कि कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सब स्केच बन के रह गया एक कोरे कागज पे। श्री, संभल के यार। उसका नाम गुनगुनाते गुनगुनाते मैं खुद गायक बन गया था। उसको ही देखते देखते पेंटर भी बन गया। जिसने हमें जन्म दिया उन माँ बाप को, अपने दोस्तों को भूलकर विलन विलन बन जाते हैं उनके लिए, हम हमेशा के लिए। लेकिन अंत में लड़कियां टाटा बाय बाय बोलकर जब हमारी छाती पे पैर रख कर जाती है ना, तो हीरोज भी जीरो बन जाते हैं। वन मोर। अरे ये लोग सब कौन है? थैंक यू ब्रदर। जिसने नमक खाया उसको पानी भी पीना पड़ेगा।
किसी महापुरुष ने बिल्कुल सही बात बोली है, लड़कियों का दिल समंदर जैसा होता है। यह बात बिल्कुल करेक्ट है, समंदर ही तो है, क्योंकि लड़कियों के दिल में पूरा नमक ही तो भरा हुआ है। उस नमक में शक्कर डाल के जो लड़के खीर बनाना चाहते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। वो हमेशा नमक था और नमक ही रहेगा। ये सब छोड़ देना चाहिए यार, सच में इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तू उस दिन मेरे साथ ट्रिप के लिए आता तो ऐसा होता मेरे साथ? यू ऑल्सो चीटेड मी, शी ऑल्सो बिट्रेड मी, लीव मी अलोन, दैट्स इट। किसी जमाने का कोई महात्मा ऐसा लिख कर गया है, खाली जगह हमेशा धूल भरी रहती है और लड़कियों के दिल में छल भरा रहता है। ग्रेट, आज अनुभव कर लिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। डोंट वरी, ही इज ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या हो गया है तुझे? अगर तुझे कुछ हो गया होता तो हमारा क्या होता? बोल, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों से बोलना चाहिए था ना। बोल बोल, तुझे ऐसा क्या हो गया है? बोल। जब से मैंने तेरी बहन से शादी की है तब से तुझे देखता आ रहा हूँ। तुझे अपनी लाइफ के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं ना, सब सोच समझ के लेना। इतने सालों में कोई भी लड़की इसके दिल को जीत नहीं पाई, लेकिन अब किसी लड़की ने इसके दिल को जीता है तो मुझे लगता है कि माया सच में बहुत अच्छी लड़की होगी। मेरे भाई की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, इसमें कहीं तो मिस्टेक हुई है। कभी कभी अपनी ही आंखें हमें धोखा दे देती हैं और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। श्री, मैं तो कहती हूँ तुम्हें एक बार उससे मिलकर बात करनी चाहिए, एटलीस्ट उसे अपनी बात कहने का मौका तो तुम्हें देना चाहिए। श्री, एक कहावत है, जिंदगी जीनी है तो शान से जियो। वैसे तुमने जो देखा है वो सच है, ऐसा कैसे मान लिया तुमने? सुनिए, पेशेंट के साथ कौन है? यस डॉक्टर, यहाँ आइए। श्री, मैथिली जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। माया जैसी लड़की सही नहीं हो सकती है। और वो राजेश कैसा आदमी है, तू तो उसे स्कूल डेज से जानता है। वो हमेशा अपनी गलती का दोष दूसरों पे ही डाल दिया करता था। शिशि, कहाँ जा रहा है तू? माया से मिलने जा रहा हूँ। इस कंडीशन में मुझे रोकना मत। श्री, मेरी बात सुन। श्री, ऑटो। जब जन्म लिया तो मरना भी एक दिन तय है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए प्रायश्चित करने से गलती गलती नहीं रहती। एक गलती से जो धक्का मुझे लगा है उसको सुधारने का एक मौका देना चाहता हूं। प्यार की वजह से जो खुशी मिलती है उससे ज्यादा प्यार में मिलने वाला दुख भारी पड़ता है। एक इंसान बहुत सी गलतियां करता है, लेकिन बहुत सी गलतियों की भी कोई मजबूरी रहती है। हमें सामने वाले की गलती नजर आती है, लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है वो नजर नहीं आता।
सामने वाले की मजबूरी को समझने की कोशिश ना करके एक गलती हम भी करते हैं, बाद में आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं निकलता। दिल में चोट लगी है, वो चोट भी ठीक हो सकती है अगर हम सामने वाले को प्रायश्चित करने का मौका दें तो। गलती तो हर कोई करता है, ऐसा भी नहीं है कि किसी गलती को हम सुधार ना सके। जो गलती हुई है उसके लिए माफी भी तो होती है, लेकिन मैंने जो गलती की है उसके लिए माफी है क्या? इस सवाल का जवाब तो माया ही दे सकती है। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे कई ग्राहकों को मैंने समझा कर वापस भेज दिया। इतने दिनों से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा बंगलो बनाया है, तुम्हें किस बात की कमी है? मैं जिसके ऊपर मरता हूँ उसके लिए कुछ भी करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगी। श्री के आने के बाद से मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। श्री श्री श्री, कौन है वो हीरो जिसके लिए तुम यहाँ से गई थी? क्यों, उसके जैसा सुख देने वाला आज तक तुम्हें कोई नहीं मिला था, या फिर तुम्हें और ज्यादा सुख चाहिए? श्री के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। आज तक जो भी मिला है हर कोई मेरे जश्न से खेला है। किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, पर श्री ऐसा नहीं है। उसने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा। मेरे बारे में सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो। क्या कहा तूने, जिंदगी का हिस्सा? एक बड़ा बकरा मिल गया तो हम लोगों को छोड़कर जा रही है तू? ऐ, अपने कस्टमर्स को कैसे खुश रखना है इसके बारे में सोच। मेरी जाने मन, ये मुझसे नहीं होगा। ओ, तुम्हारी तरह मैं दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जब मुझे राजेश ने छूने की कोशिश की तो उसके साथ रोमांस का ड्रामा करके मैंने श्री की नजरों में खुद को गिराने की कोशिश की, क्योंकि मैं श्री जैसा इंसान रिजर्व नहीं करती। इसलिए मैंने ये सब कुछ। hey! तेरा ये बेकार भाषण सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। आज जो आया है ना, तू जो श्री श्री कर रही है उससे 100 गुना ज्यादा पैसे वाला है। जाकर रेडी हो जा, तू भी पैसे बना और मुझे भी पैसे बनाने दे। अब तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि श्री से एक बार मुलाकात हो जाए। अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो छोड़ दूंगा क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सिर्फ धमकी ही नहीं, काट डालूंगा तुझे। श्री, अच्छा तो तू ही है वो श्री क्या? आजा, मुझे ढूंढने की तकलीफ नहीं दी, तू खुद ही यहाँ पर आ गया। तू अभी बोल रही थी ना कि ये तुझे सिर्फ एक बार मिल जाए, ये देख, अच्छे से इससे मिल ले, फिर ये नहीं मिलेगा। हे, ये पहले से ही अधमरा होकर यहाँ आया है, इसकी आधी जिंदगी तुम लोग खत्म कर दो। श्री,
चल हट यहाँ से चल। तेरी वजह से हुआ है ना, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? हट। तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे माफी मांगने के लिए। Now I'm ready to die. आसमां से भी ऊंचा है तुम्हारा दिल और उससे भी ऊंचा है तुम्हारा प्यार। सातों जन्म तक हम बिछड़ेंगे नहीं, तुम्हें पाने के लिए लेती रहूंगी जन्म। तुम हो, तुम्हें औरत सहेली का रूप भी लेती है
और हर मुश्किल में हमारे कंधों से कंधा मिलाकर साथी भी बन जाती है। दुनिया की कोई भी शक्ति प्यार के सामने टिक नहीं सकती। जब तुम हो तो मैं हूं। कभी भी अपनी कविता से प्यार की गहराई को नहीं नाप सकता। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं अधूरी थी, तुमने मुझे पूरा किया। तुम हो तो मैं हूं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, ये जानने की कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मेरी भी आखिरी ख्वाहिश थी, मैं तुमसे बस एक बार मिलना चाहती थी। हमारे सच्चे प्यार का ऐलान करने के लिए ये पल ही गवाह है। इस प्यार के पल में हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी बनकर रहेंगे।